सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, आज समालखा में यहाँ लगभग 2 वर्षों के बाद आप सभी आए और इस रूप में जो सत्संग हुई, ये 2 सालों के बाद पहली बार ही सत्संग ही है, क्योंकि उससे पहले अगर ऑनलाइन ज्ञान चर्चा हो भी रही थी, वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था सत्संग का, पर सत्संग नहीं थी। तो कैसे हमने जहाँ 2 सालों में चाहे ये सत्संग करने की इच्छा हर एक की, तो जो भी द नेक्स्ट बेस्ट थिंग पॉसिबल हो पाया वो अपने गैजेट्स द्वारा संतों की वाणी को श्रवण किया, और कैसे ये 2 सालों में भी अपने आप को ये निराकार से जोड़े रखा, कैसे हर एक ने हर पल यही अरदास लबों पे कि ये संसार से कोरोना भी जहाँ जाए और वहीं एक दूसरे की चरण रज रे के ये सत्संग फिर से जो रीस्टार्ट हो सके। तो आज उसी तरह ये रूप इतना सुंदर, और पूरे ही विश्व में सिवाय कुछ कंट्रीज़ या कहीं विद इन इंडिया जो नॉर्म्स अभी अलाउ नहीं कर रहे थे, बाकी आज संडे को हर भवन में सबने ही ये सत्संग का आनंद लिया। और आज जहाँ यहाँ पर दिल्ली एनसीआर है, वो भी कल से, जैसे अभी सुना भी कि अपने सत्संग भवनों पर जाकर ये एक इस रूप में ही दातार का यशोगान कर सकते हैं। तो उसी तरह जैसे सब इतने उत्साह से आज आए, तो दातार कृपा करे कि ये जो मन में भाव हैं, ये पूरे एक संसार के एक अपलिफ्टमेंट के लिए, ये अपने आप की सुधार से शुरुआत करते हुए ये संसार में ये डिफरेंस जो क्रिएट करने की बात है, तो हर एक पे ही दातार कृपा करे कि इस रूप में जहाँ स्वयं का सुधार हर कोई करता जाए, साथ में ही ये मानवता के लिए वरदान जहाँ हमने बनना है, और एक अपने अंदर ये इंटरनल जब फोकस करें तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये दात प्राप्त होकर हमने कैसे भक्तिमय जीवन जहाँ हर पल ही जीते चले जाना है। वहीं एक अब जैसे बात होती थी कि कभी एक प्यासे को पानी नहीं मिलता और फिर मिलता है तो वो उस टाइम वो टेम्प्ररी शुक्राना तो बहुत होता है, तो अब जब सत्संग फिर से उस रूप में स्टार्ट हो गई है, तो कहीं वो भी बात फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए और मन में हर पल कि ये प्रभु की ही कृपा है, निराकार की वजह से ही सत्संग अटेंड हो रही है, और पूरे सत्संग के दौरान जो भी महात्मा बोल रहे हैं, चाहे वो गीत रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, फिर भी कैसे हर एक का एक एक पल ध्यान से वो क्या वचन आ रहा है उसको श्रवण करके जब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी संत कुछ भी जब फरमाते हैं वो हमेशा ये जीवन को बेटरमेंट के लिए ही हमारे एक वो संदेश होते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो जब हम हर एक का ये कहना कि क्या सत्संग में कहा जा रहा है वो सुन के जीवन में लगाते हैं, लागू करते हैं, तो सचमुच ही अपना एक सुधार होता चला जाता है। तो कैसे आज उस रूप में जब सब आए और वो लाइनों में भी दासी देख रही थी कि काफ़ी अगर एक स्माइल्स भी जहाँ देखने को मिली, वहाँ वो खुशी के आंखों से आंसू भी देखने को मिले, और हर कोई उस तरह एक जब पंडाल में एंटर भी कर रहे तो वो एक जो मन की अवस्था सबके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी झलक रही थी कि कैसे दातार ये हर एक को ये सत्संग से नवाजता चला जाए, क्योंकि युगों युगों से ही ये सत्संग की महिमा तो इतनी हम सब सुनते भी आ रहे हैं। तो ये कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं कि निराकार से जुड़ना है तो सेवा भी करनी है, सत्संग भी, सुमिरन भी, पर वाकई ही अगर हम ये इसको एक डीप थॉट दें
तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई भी इसमें से पहलू कमज़ोर है तो भक्ति नहीं हो सकती, फिर ये धीरे धीरे ज्ञान भी भूलता जाता है। तो कैसे हमें अपने आप को, चाहे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो उनके स्कूल की, कोई काम करते हैं तो अपने व्यापार की या अपने वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आगे कोई रिटायर्ड लाइफ भी जी रहा हो तो उस तरह भी, तो ये काम भी जहाँ सामाजिक करते जाना है वहाँ एक अपने अंदर ये आध्यात्मिकता का भी एस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अपना, हमें इसको भी जहाँ पक्का करता जाना है। तो इसी तरह हम जब देखते हैं कि कैसे अगर हम यही कि सिर्फ सत्संग आना एक कार्य ना बनाएं, ये मन से सत्संग आए, उन भावों से सत्संग आए, और एक एक वचन हर एक का श्रवण करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, तो जहाँ ये सत्संग की बात है वहीं ये सेवा भी, कि सत्संग सुनना भी जहाँ सेवा है, कहीं अगर लंगर में, टॉयलेट्स में, लाइनों में, कहीं पे भी जहाँ अभी सत्संग के दौरान भी अगर ड्यूटी लगी तो वो वर्दी के रूप की सेवा भी सेवा है। और जो महापुरुष अभी भी किसी वजह से नहीं आ सके, वो घर बैठे अभी भी जब ये लाइव देख रहे तो वो भी एक सत्संग सुनने की सेवा कर रहे हैं। तो जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये तीनों ही पहलू हमने अपने जीवन में बहुत मजबूत करने हैं। चाहे एक अक्सर सत्संग में सुन के इतना रिपीटेड भी लगता है कि हर सत्संग में हर एक ने यही कहना कि सेवा, सिमरन, सत्संग से जुड़े, तो वो सिर्फ अगर हम देखें तो कानों में शायद इतनी बार रेपिटेटिवली सुन भी लिया कि माइंड कभी कभी हमारा उस बात को इतने कैजुअली ले लेता है कि हाँ वे तो सभी बोलते हैं कि करना है, पर वाकई ही हमें उसे करना है, इसलिए कहा जाता है कि करना है। तो कैसे हमने हर समय जहाँ सुमिरन द्वारा अपने मन को भी, ये जो अगर हम बात करें कि सुमिरन से क्या होता है, जहाँ इंटरनल हमारा कनेक्शन निराकार से तो जुड़ता ही है, वहीं साथ साथ अगर फिजिकली भी देखें तो कुछ अगर तनाव फील हो रहा होता है, कहीं कोई थॉट ऐसा होता है कि हमारा, हम जिसे बोलते हैं कि पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हुआ हुआ, तो वो भी एक उस तरह से भी एक फ़ायदा ही है। और वैसे ही धीरे धीरे हमने अपने जीवन में ये विश्वास लाकर प्रभु की तरफ इतना पक्का मन में करना है कि फिर चाहे कोई भी घटनाएं घटती चली जाएं, ये हमारा बैलेंस, ये स्थिरता, ये एक सहजता जीवन में इस तरह रहे कि फिर कोई घटना होए, वो चाहे एक सेकंड के लिए तो डिस्टर्ब कर सकती है पर हमारे मन पे इतनी हावी नहीं होती कि लॉन्ग टर्म उसका असर ले लेते हैं, कि किसी ने कुछ कह दिया तो उस व्यक्ति की तरफ मन में कोई खटास ले ली हमने, या उसको अपनी कोई बैड बुक्स में डाल दिया, नहीं फिर वो चेतनता भी साथ होती है कि ये व्यक्ति अगर कुछ कह गया ऐसा ऊंचा नीचा, तो वो एक उसकी हो सकता है कोई सिचुएशन हो, या फिर ये हो सकता है कि उनका स्वभाव हो, या कोई भी रीज़न से जब एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए फिर वो समझ आती है बात, कि हमने उसका इतना प्रभाव नहीं ले लेना कि अपना पूरा दिन, अपना जो पल है ये लिमिटेड एक पूरे दिन में, उसको एक पूर्णता से, एक पॉजिटिविटी के साथ हमने जीना है। तो जहाँ हर एक के लिए ये भक्त तो शुरू से ही मानवता का कल्याण करते हैं, और ये पीस का संदेश, ये भाईचारे का संदेश, ये संसार जिसमें मन की कोई क्रिएटेड दीवारें ना हो, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, या फिर ये एकता, वननेस, ये हार्मनी, ऐसे अनेकों जो हम भाव सत्संग में भी सुनते हैं कि एक हमें गुणों से अपने आप को जहाँ भरना है
वही कोशिश रहे कि अगर अपने आप के बारे में एक अक्सर आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं या आसपास जो हमारे होते हैं दोस्त परिवार के सदस्य उनसे भी ये जब पता लगता है कि हमारे अंदर क्या नुक्स हैं क्या कमियां हैं तो उनके तरफ भी वो उस समय एक ऐसी ही सोच रखें कि शुक्र है उन्होंने हमें आईना दिखाया हमें कमियां दिखी और अब इन कमियों पे भी सुधार होगा। तो जब मन में ऐसे ख्याल रख के अपने ऊपर काम करेंगे और दूसरे व्यक्ति से कोई नाराज़गी नहीं होगी तो ही वाक्य में एक हम सचमुच अपना सुधार कर सकते हैं। तो दातार से यही अरदास यही प्रार्थना कि जिस तरह हमारा मन भी इस सत्संग में हर समय वैसे ही टिका रहे सिर्फ शरीर रूप में हम ये ना उस तरह जुड़े तो आगे जैसे अब फिर वो टूर्स का भी सिलसिला शुरू हुआ अभी आपने सुना भी कि अभी है स्टार्ट। तो दासी की यही मन से पूरी कामना कि बहुत ही जल्दी जहाँ ये विजिट्स 2 सालों से कहीं नहीं हो पाई थी वही देश विदेश हर जगह आप सबके